jungle. नमस्कार, मैं सुष्मिता विश्वास स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर है मंडला से, जहाँ मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपनी कैबिनेट मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान खोले जाने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने हमारी भारतीय परंपरा के विरुद्ध यह निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रदेश की मातृशक्ति को काफी आघात पहुंचा है। हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आम नागरिक प्रदेश सरकार की इस निर्णय का विरोध करते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, यानी प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए शराब दुकानें खोलने के अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में महिला मोर्चा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को मजबूर होगी। हमें आशा है कि आपके द्वारा शीघ्र ही प्रदेश में महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकानें खोले जाने का निर्णय पर रोक लगाने उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे नगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूरी पदाधिकारी की बहनें आज यहां पे आकर के और ज्ञापन चूँकि कलेक्टर साहब को देने आए थे, पर कलेक्टर साहब नहीं तो अपर कलेक्टर को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। जिस तरह से कैबिनेट में कांग्रेस की सरकार ने जो निर्णय लिया है कि महिलाओं के लिए महिलाएं भी शराब बेचें और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए अलग से काउंटर खोला जाए, तो ये भारतीय परंपरा में ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से अभी क्राइम हो रहे हैं और हमारी महिलाएं वैसे भी इतनी प्रताड़ित हो रही हैं कि लोग शराब पीकर के आके और हमारी बहनों को परेशान करते हैं और शराब बेचने के लिए ये प्रोत्साहित कर रहे हैं। कल तक की ये स्थिति थी कि हमारी जब सरकार थी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि मंडला के 5 किलोमीटर के दूर में कोई भी शराब के दुकान नहीं खोला जाएगा। ये निर्णय थी जिसका स्वागत सभी लोगों ने, मंडलावासी नहीं पूरे प्रदेश के लोगों ने ये निर्णय का स्वागत किया था। और अभी जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो वो ना उनका नर्मदा दिख रहा है ना कुछ नहीं, सिर्फ उनको ये है कि शराब पी के पड़े रहें और जो हम करें वही सही है, ये वाली बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और हम लोग नहीं, पूरे सभी लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते आज हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को वापस लें और नहीं तो हम सब लोग मिलकर के पूरे देश प्रदेश व्यापी हम लोगों ने आंदोलन करेंगे। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।